हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये एंगेजमेंट प्लस पार्टी मेकअप लुक। सो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। एंड ये है इनका बिफोर का फ़ोटो एंड आफ्टर का फ़ोटो, ये रहा मेरे साथ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं टोनर क्लीन, हमने अपने फेस को ऑफ कैमरा कर लिया था। उसके बाद यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मोम्स कोका सीरम, जो कि अच्छे से आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है प्लस हाइड्रेट भी करता है। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ट्राइकोन की सनस्क्रीन। यस गाइस, मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, मैंने अपना मॉइस्चराइजर स्किप कर दिया क्योंकि आप देख सकते हो मेरी जो सनस्क्रीन है वो भी बटरी स्मूथ है। एंड उससे पहले हमने सीरम भी लगा लिया, अच्छे से अपने फेस को हाइड्रेट कर लिया। तो आप भी ऐसे मॉइस्चराइजर स्किप कर सकते हो अगर आपकी सनस्क्रीन जो है वो क्रीम बेस है और मतलब स्मूथनिंग वाली है। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अब इनसाइड का प्राइमर, जो कि अच्छे से पोर्स को फिल इन कर देगा। उसके बाद यूज़ कर रही हूँ रेडनेस को हाइड करने के लिए एले गर्ल का ग्रीन कलर करेक्टर, जिससे कि जो भी रेडनेस है वो हाइड हो जाए एंड हमारा बेस बिल्कुल परफेक्ट लगे। अभी हम आई बेस करेंगे, मतलब आई मेकअप पहले करने वाले हैं। वेट एंड वाइल्ड का यहाँ पे फोटो फोकस कंसीलर ले रही हूँ, जो कि इनकी स्किन टोन से बिल्कुल मैच कर रहा है, जिससे कि हमारे जो डार्क सर्कल है वो हाइड हो जाएंगे। एंड उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से सेट कर लेना है। मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड उसके बाद हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट में से ट्रांजिशन शेड, जो कि आपको ऊपर ही मिल रहा है। एंड उसके बाद यूज़ कर रही हूँ मैरून एंड ब्राउन सी शेड है, उन दोनों को मिक्स करके अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ एंड क्रीज तक उसे लाकर ब्लेंड कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से राउंडिंग राउंडिंग करके आपको ब्लेंड करना है, राउंडिंग मोशन में, आई वॉन्ट टू से दैट। एंड अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिक्विड आई शेडो। अगर आपको अपने आई मेकअप बहुत अच्छे से हाईलाइट करना है तो आप अपना ग्लिटर यूज़ कर लीजिए या फिर लिक्विड आई शेडो यूज़ कर लीजिए, उससे आपकी आईज़ ना बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाती हैं। तो मतलब अलग ही आपका आईज़ जो है वो हाईलाइट हो के आता है, तो मुझे तो बहुत पसंद आता है लाइक ब्राइड्स पे एंड एंगेजमेंट वगैरह पे, ऐसा आप कर सकते हैं। एंड अब यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का आइकॉनिक आईलाइनर एंड उसकी हेल्प से मैंने विंग ड्रॉ करी है। उसके बाद यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन इन द शेड आई गेस 126 समथिंग लाइक दिस। ओ ये अच्छी सी राइम बन गई, 126 समथिंग लाइक दिस, छोड़ दो। सो अब मैं बात करूँ गाइज, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप लिंक क्यों नहीं देते हो प्रोडक्ट्स का। तो गाइज मुझे स्टडी भी करनी होती है एंड प्लस में मेरे अभी एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं एंड बिना एग्ज़ाम्स के भी मैं लिंक नहीं दे पाती हूँ। यस गाइज, लाइक मेरा शेड्यूल लाइक बहुत घिचपिच सी है मेरे शेड्यूल में, लाइक हाँ बहुत दिक्कत है मेरे शेड्यूल में। तो मैं ट्राई करूँगी फ्यूचर में मैं लिंक वगैरह सब कुछ दूँ। सो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे सुप्रा का फाउंडेशन एज अ कंसीलर, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ गाइज। आप भी अपना कोई भी हाई कवरेज फाउंडेशन एज अ कंसीलर यूज़ कर सकते हो और वो आपकी स्किन से थोड़ा सा लाइटर भी होना चाहिए तभी आप यूज़ करोगे। अगर आपकी स्किन से बिल्कुल मैच करेगा तो वो आपको मतलब हाईलाइट नहीं करेगा आपके फेस को, बस कंसील करेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, कंसील भी कर रहे हैं प्लस हाईलाइट भी कर रहे हैं आपके फेस को। तो आप एक फेयर फाउंडेशन या फिर कंसीलर यूज़ करिए, एक शेड ही फेयर यूज़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं यूज़ करना है। अब मैं बेकिंग कर रही हूँ, बेकिंग के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ADS का लूज पाउडर। उसके बाद आईब्रोज को फिल इन कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। एंड आईब्रोज को फिल इन करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं हिलारी रोडा की आर्ट ड्रॉइंग आर्ट आई गेस पैलेट है इनकी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश। ब्लश के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ SFR की ब्लश पैलेट, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं SFR के ब्लश। एंड उसके बाद एक्सेस ब्लेंड कर दें उसकी हेल्प, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, मैं क्या बोल रही हूँ। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ हाईलाइटर। एंड यहाँ पे मैंने जो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करा था अपने ब्लश को एंड अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए, वो डैम्प ब्यूटी स्पंज था। अभी यूज़ कर रही हूँ मैं हाईलाइटर। ज़्यादा हाईलाइटर मुझे नहीं यूज़ करना है क्योंकि इनका डे फंक्शन है, तो अगर थोड़ा सा भी लाइट पड़ेगा तो अच्छे से इनका हाईलाइटर इन्हेंस होगा, तो थोड़ा कम ही अप्लाई करना है। एंड यहाँ पे अब मैं लोअर लैशेज़ का मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं वही पिंकिश मेहरून शेड, जो कि आप देख सकते हो जो मैं ले रही हूँ। एंगल ब्रश की हेल्प से मैंने अप्लाई करा एंड उसके बाद ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद आई लैशेज़ को मैं अच्छे से कोट कर लूँगी
कुछ इसी तरीके से। इनसाइड का मैं यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड एंड कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट, वही बात है, कोई भी ब्रांड कोई भी प्रोडक्ट, अपना DIY प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है जो प्रोडक्ट मैं ही यूज़ कर रही हूँ वही यूज़ करना। आपके पास जो भी है, जो भी आपको आप अफोर्ड कर सकते हो, लाइक मेरे से हाई एंड या मेरे से थोड़ा कम, तो मतलब जो भी आपके बजट में आता है, ठीक है। अभी हम अपने आईब्रो को हाईलाइट कर रहे हैं, प्लस में एक आईलैशेस मैंने लगा दी थी। लाइक आपको टाइम सेव करना होता है क्योंकि हमेशा जल्दी लगी रहती है, क्योंकि ब्राइड मतलब पता नहीं हमेशा काम की वजह से ब्राइड लेट हो जाती है। तो या अब जल्दी जल्दी से कर लिया है। उसके बाद यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे आर्या का गोल्डन आईलाइनर, जिससे कि मेरी कट क्रीज हाईलाइट हो गई। आप देख सकते हो आई मेकअप कितना सुंदर लग रहा है ना आईलैशेस लगाने के बाद, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे मैंने क्रीम लिपस्टिक यूज़ करी थी लैक्मे की प्राइम प्लस मैट वाली, एंड उसके बाद मैंने ग्लैम 21 की लिपस्टिक यूज़ करी है, एंड दोनों को मिक्स करके प्यारा सा लिप शेड बनाया। एंड हेयर स्टाइल हमेशा की तरह हमारी मम्मी जी बना रही है। मेरे को हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता है, मेरे पास बोल रही थी मैं तो। या हेयर स्टाइल की वीडियो मैं नहीं घेरती इसलिए क्योंकि मुझे नहीं आता है। सो ये है गाइस मेरा फाइनल लुक, एंड आप देख सकते हो बहुत प्यारा लग रहा था इनका फुल लुक भी, ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही थी, एंड मेकअप तो बहुत अच्छा लग ही रहा था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।